अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने के लिए जा रहे हैं वो है डिटरमिनेंट्स, जो कि थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड है। हमने डिटरमिनेंट्स 2x2 मैट्रिसेस का इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर फाइंड आउट करना सीखा था, और 2x2 का जो डिटरमिनेंट है वो हमने जो इससे पहले हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी चूँकि हमने वो काम किया था के डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, वो 2x2 का जस्ट यूं कह लें कि आप लोगों के पास होता था, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर नेगेटिव का साइन अप्लाई करने के बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो हमारे पास डिटरमिनेंट उस तरीके से फाइंड आउट कर लेते थे हम, ये इस टाइप का अगर मैट्रिक्स होता था तो। लेकिन अब अगर हमारे पास 3x3 का या उससे बड़ा डिटरमिनेंट आ जाए तो फिर हमने उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना। पहली बात यह कि उसका जो सैंबल है वो ए मॉड उसी तरह रहेगा और वर्टिकल बार उसी तरीके से लगेंगी जैसे हम पहले अप्लाई करते थे। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहली बात तो यह कि ये इसको जो नोटेशन है वो चेंज किसी भी तरीके से नहीं होगी। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है या डायरेक्ट फार्मूला है, उससे पहले हम कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूज होंगे डिटरमिनेंट के लिए, डायरेक्ट भी यूज हो जाएगा करेंगे, तो वो माइनर और कोफैक्टर हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैसे, किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जब माइनर फाइंड आउट करना है ना, तो माइनर जिस भी एलिमेंट, माइनर पहली बात किसी एलिमेंट का होता है, दूसरी बात वो जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो जो माइनर का ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा, यानी कि उससे एक कम होगा, ठीक है, पहली बात ये। और माइनर फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है, माइनर फर्ज की हमने फाइंड आउट करना है आई जे का, तो आप आई एथ रो और जे एथ कॉलम डिलीट कर देंगे। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, मैंने माइनर फाइंड आउट करना है 2x3 का, मैं चाह रहा हूं माइनर फाइंड आउट करूं 2x3 का, तो 2/3 एलिमेंट ये है जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में है, तो आप इस रो को और इस कॉलम को पूरे को छोड़ दें, डिलीट कर दें, तो बाकी क्या बच गया, a11 a12 a31 a32, तो ये आप लोगों के पास, इसको आप लोग अगर मैट्रिक्स में लिख देंगे तो ये आप लोगों के पास माइनर बन गया है। तो हमारे पास जो a11 है, a12 है, a31 और a32, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या बन गया है, माइनर बन गया है। तो ये यहाँ पर इस एग्जांपल में जो बुक में दी हुई है उसमें माइनर मालूम किया है उसने किसका, लेट सपोज a11 का ही नहीं, a12 का माइनर शायद उसने फाइंड आउट किया है, हाँ जी a12 का, a12 का अगर माइनर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, a12 जिस कॉलम में है वो भी और a12 जिस रो में है वो भी, वो डिलीट कर दें, तो बाकी देखें a21 23 31 33 यही एलिमेंट बच गए, तो ये उसका माइनर है। तो सबसे पहले हमने माइनर फाइंड आउट करना सीख लिया कि माइनर क्या होता है। अच्छा, और माइनर जब आपने लिखना है तो उसको बेसिकली मॉड की फॉर्म में लिखना है कि डिटरमिनेंट लेना होता है उसका, मॉड ले लेना है, वो मैंने पहले शायद लिखा जो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया था, मॉड की फॉर्म में हम माइनर को बेसिकली लिखते हैं, ओके। उसके बाद है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का, अगर a23 का कोफैक्टर निकालना है तो आपने कैपिटल ए लिखना है और उसके नीचे उसकी पोजिशन, कैपिटल a12 जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है 1, 2 एलिमेंट का। अच्छा, 1, 2 एलिमेंट कौन सा था जी, मैं इसको थोड़ा सा एलिमेंट भी देख लूं, 1, 2 एलिमेंट यही वही वाला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर में माइनर जरूर आता है, माइनर 1, 2 और साथ में -1 की पावर में ये जो दोनों सबस्क्रिप्ट हैं 1 और 2, इन दोनों को -1 की पावर में लिख देंगे 1+2, -1 की पावर 1+2 क्या होता है 3 होती, तो -1 की पावर 3 जो कि -1 होता है, तो -1 × 2 बाकी वही माइनर आ गया दोबारा से, तो ये कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर और माइनर का ना थोड़ा सा हमें इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया करेंगे तो उसमें हमें जरूरत पेश आएगी, क्योंकि पहले अब वो डिटरमिनेंट जो है ना
थ्री या थ्री से ग्रेटर वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, उसने पूरा प्रोसेस किया है। मैं उस प्रोसेस को छोड़ के सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि जब भी हमें ज़रूरत पेश आए किसी भी बड़े मैट्रिक्स का मॉड निकालने की, तो हम सिंपली क्या किया करेंगे, हम किसी एक रो को पकड़ लें या किसी एक कॉलम को पकड़ लें अपनी मर्जी से। तो मैं ये पकड़ लेता हूँ कि लेट सपोज मैं इसकी ये वाली रो पकड़ लेता हूँ, आपकी मर्जी, हम आम रूटीन में फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम ही पकड़ा करेंगे, ये एक जनरल आपको एग्जांपल देने के लिए। ये रो पकड़ ली, आपने लिखना है पहला एलिमेंट ए आई वन और साथ में उसका लिख देना है कोफैक्टर, प्लस अगला एलिमेंट और साथ में उसका कोफैक्टर, फिर प्लस अगला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, और पूरी रो के साथ यही सलूक करना है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट कोफैक्टर नहीं लिखना चाह रहे तो माइनर भी लिख सकते हैं, माइनर को जब सॉल्व करेंगे तो याद रखें पहले एलिमेंट के साथ माइनर का पॉजिटिव आता है, दूसरे के साथ नेगेटिव आता है, तो माइनर का फार्मूला ये होता है हमारे पास। अगर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के लिए पहला एलिमेंट उसका माइनर माइनस दूसरा एलिमेंट उसका माइनर, फिर तीसरे के साथ प्लस आता है बेसिकली ना, प्लस माइनस और प्लस, इसके साथ प्लस आना है क्योंकि पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस। ओके, ये फार्मूला भी है, तो मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा। ये तो फार्मूलाज की बात थी कि मॉड निकालने के लिए आपको कोफैक्टर और एलिमेंट्स को किसी एक रो या कॉलम के मल्टीप्लाई कर दें, या माइनर्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहला जो एलिमेंट है वो देखना है आपने, सबस्क्रिप्ट वन वन दोनों इवन है तो जो जिनके सबस्क्रिप्ट का सम इवन बन रहा हो उनके माइनर के साथ पॉजिटिव आता है, और जिनके सबस्क्रिप्ट का सम जो है वो ऑड बन रहा हो, जिस तरह वन और टू का सम थ्री बन रहा है तो उसके साथ माइनर के साथ माइनस आएगा, ये वन और थ्री का सम जो है ना वो फोर बनता है, इस वजह से इसके साथ पॉजिटिव आएगा, मुझे इस वजह से पता चला है। तो हम चलते हैं जी, इसका जो माइनर है वो देख, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं थ्री बाय थ्री का। तो ये अगर आपको ये एग्जांपल डिटर्मिनेंट या मॉड थ्री बाय थ्री का फाइंड करना आ जाए, या इस एग्जांपल की अगर आप लोगों को समझ आ जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, या यूं कह लें कि राउंड अबाउट 30% क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, ए मॉड ले लेते हैं कि ए मॉड इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आपने वर्टिकल बार लगा देनी है पहली बार। अब फिर कैसे लिखना है इसको, ये वन 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 टू, इसका मतलब इसने पहली रो पकड़ी है, तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको यहाँ से अब हाईलाइट कर देता हूँ, हमने पकड़नी है पहली रो, पहला एलिमेंट लिखना है वन, ये आ गया, फिर जिस रो में ये है वो रो और जिस कॉलम में है वो कॉलम, दोनों छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख लेने, थ्री वन माइनस थ्री टू, देखें तो ये पहला एलिमेंट लिखना है और उसका माइनर लिख लिया, फिर पहले के साथ मैंने कहा था प्लस, दूसरे के साथ माइनस, माइनस के बाद दूसरा एलिमेंट माइनस टू, और ये फिर जिस रो और कॉलम के अंदर है वो छोड़ देने, यानी कि ये वाला रो भी और ये वाला कॉलम भी छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट्स लिख लेंगे वो उसका माइनर आ गया ये वाला। ठीक है जी, ये हो गया। फिर अगली दफा क्या करें, थ्री पकड़ लें अगला एलिमेंट प्लस के साथ, ये एलिमेंट पकड़ा और जिस रो और जिस कॉलम में है वो आप लोगों ने डिलीट कर दिया, बाकी जो लिखा वो माइनर बन गया। तो अब टू बाई टू का मॉड निकालना बहुत आसान है, क्या टू बाई टू के मॉड निकालते हुए आप लोग क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, तो इनके मॉड आप इजीली निकाल सकते हैं कि सिक्स माइनस माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस फोर, और इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो ये आप लोग इजीली डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास इसके डिटर्मिनेंट का प्रोसेस है कि आपने पहला एलिमेंट लिखा, जिस रो और कॉलम में वो छोड़ के बाकी मॉड लिख लिया, फिर माइनस दूसरे के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, ये फिर जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ के बाकियों का मॉड लिख लिया, फिर प्लस लिखा आखिरी के साथ, वो एलिमेंट लिखने के बाद जिस रो और जिस कॉलम में वो है वो छोड़ के बाकी का मॉड। अब टू बाई टू के डिटर्मिनेंट या टू बाई टू का मॉड निकालना बहुत आसान है, तो वो आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉड से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए मॉड से रिलेटेड। पहली प्रॉपर्टी क्या है
कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप लोग ए का मॉड ले लें, किसी मैट्रिक्स का मॉड ले लें या उसके ट्रांसपोज का मॉड ले लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मॉड निकालते हुए अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ ए। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट मालूम करते हुए आप उसकी कोई सी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो सारे का आंसर तो वही रहेगा लेकिन जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो रो या दो कॉलम, टू रोज और टू कॉलम अगर सेम हो जाएं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। या फिर इसी तरीके से पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो सिर्फ दो केसेस में हो सकता है कि अगर पूरी रो जीरो हो जाए या कोई से दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इफ द एंट्रीज ऑफ ए रो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई बाय नंबर के देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के ए मॉड। कि किसी एक रो या एक कॉलम की तमाम एंट्रीज किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो या मल्टीप्लाई करवाया जाए तो जो डिटरमिनेंट है वो के से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए मैट्रिक्स को जब के से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन अगर डिटरमिनेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट में से के कॉमन लेते हुए भी, और जब मैट्रिक्स में से कोई एलिमेंट कॉमन लेते थे तो वो तमाम में अगर होता था तो कॉमन आता था, लेकिन डिटरमिनेंट्स के दौरान मॉड के अंदर अगर एक रो या एक कॉलम में भी हो तो आप कॉमन ले सकते हैं और इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर वो एक रो या एक कॉलम से ही जाके मल्टीप्लाई होगा जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायरिंग मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ये आपके पास अगर बाकी दो रो या कॉलम में तो सिंपल एलिमेंट्स हो, एक रो या एक कॉलम में जिस तरह इस कॉलम के अंदर दो दो एलिमेंट है तो आप पहले पहले एलिमेंट के साथ अगले दोनों कॉलम और फिर दूसरे दूसरे एलिमेंट के साथ अगले दोनों कॉलम्स को राइट कर सकते हैं। देखें ये पहले A11, A21, A31 के साथ अगले दोनों कॉलम राइट किए और फिर B11, B21, B31 के साथ अगले दोनों एलिमेंट्स जो है राइट किए और दरमियान में प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे नहीं है, बेसिकली ये वाला जो साइन है वो यहाँ पे मौजूद होगा, दरमियान में वही साइन आएगा जो यहाँ पे है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड टू अ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ अनदर रो देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए मॉड। कि आप लोग किसी एक रो या एक कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूल हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इफ द मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म, ट्राइंगुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि सिर्फ डायगोनल के अंदर एलिमेंट हों और किसी एक साइड पे डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हों तो फिर क्या होगा, देन इट्स डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन इट्स मेन डायगोनल। तो फिर उसकी जो उसका जो डिटरमिनेंट है वो आपको मालूम करने की जरूरत नहीं, उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज का यूज है, आगे उसने बताया हुआ है कि क्या काम करना है। बहरहाल इन प्रॉपर्टीज के यूजेस की बजाय हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही करते हैं जहां पर ये एक्सरसाइज आ जाएगी। बहरहाल इसके इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम इससे रिलेटेड, चूंकि इसकी थ्योरी के अंदर अभी काफी ज्यादा काम है तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले या एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मॉड के सॉल्व करते हैं और रिमेनिंग को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें आप लोग इसको कर सकें। ये डिटरमिनेंट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मॉड फाइंड आउट करें तो क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है, पहला एलिमेंट पकड़ेंगे जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ के बाकियों का मॉड देखें, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, ये माइनस फार्मूले वाला है, फिर दूसरा एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ के बाकी आप लोगों ने मॉड, ये देखे ना इस रो में और इस कॉलम में है तो ये छोड़ दिए,
तो बाकी 3 - 3 - 2 - 2 ये बच गया। अच्छा इसी तरह फिर अगले के लिए करेंगे, अब आखिरी एलिमेंट पकड़ेंगे -4, फार्मूले में प्लस आना है, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों नजर आ रहा है, ये बाय चांस एलिमेंट ही -4 था। फिर जिस रो और कॉलम में ये है उसको छोड़ देंगे, बाकी का मॉड लिख लेंगे। अब 2 by 2 का मॉड बड़ा आसान है कि आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो ये आप लोगों ने मॉड इस तरीके से एवेल्युएट करना है, हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से जो सिंपल 3 by 3 के जो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस होंगे, अभी आप लोगों ने सिर्फ वो क्वेश्चंस जिनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है 3 by 3 का वो सॉल्व करना है, उसके बाद जिस पे कोई छोटी मोटी टेक्निक अप्लाई होगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने क्या काम करना है, सिर्फ 3 by 3 के जो मैट्रिसेस हैं उनका मॉड सिंपल जो नंबर फॉर्म में हो उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है।